गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस यानी पाइलोरिक मींस पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल। देन स्टेनोसिस मींस नोरिंग ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक कैनाल एंड कैनाल जैसे कि एब्डोमिनल कैनाल से रिलेटेड है। एंड नरिंग ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये संकुचित होना इस स्ट्रक्चर का। देन स्टेनोसिस, देन मैं डेफिनेशन को एक थोड़ा रफली डायग्राम से समझा देता हूँ। इसमें होता है, यह एक रफली डायग्राम एब्डोमेन का, जिसमें जो ये पार्ट है इसोफेगस एंड जो ये डेस्टिस किए हैं, ये फंडस पार्ट होता है एब्डोमेन है। ये जो कर्वेचर है इसको बोलते हैं ग्रेटर, दैट ये है लेजर कर्वेचर। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस में एक्चुअल में होता क्या है, जो सर्कुलर फाइबरस मसल्स है इसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। ये जो कैनाल है वो है पाइलोरिक कैनाल। देन सर्कुलर फाइबरस मसल्स का क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मीन किसी मसल्स का टिश्यू का बढ़ना, सेल्स का बढ़ना, इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। देन क्या होता है पाइलोरिक, पाइलोरस स्फिंक्टर। क्या होता है इसमें के पाइलोरिक जो कैनाल है उसमें जो सर्कुलर फाइबरस मसल्स है उनकी हाइपरट्रॉफी के कारण जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वह कम होता है, जिसके कारण से जो पाइलोरिक कैनाल है वह ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है जो गैस्ट्रिक कंटेंट है यानी जैसे फूड वगैरह है वह ड्यूडेनम तक नहीं पहुँचता है, ड्यूडेनम तक नहीं पहुँचता है। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड पाइलोरिक कैनाल, देन गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू नॉट पासेस ड्यूडेनम, ड्यूडेनम तक नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि जो सर्कुलर फाइबरस है वो हाइपरट्रॉफी होगी, जिसके कारण से पाइलोसिस स्फिंक्टर है वह कम नहीं बन पाया। कारण से क्या हुआ, जो पाइलोरिक कैनाल है वह ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, जिसके कारण से जो फूड कंटेंट है वह ड्यूडेनम तक नहीं पहुंच पाया, जिस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब देखते हैं हम इसको डेफिनेशन में। डेफिनेशन होगी पाइलोरिक स्टेनोसिस इज ए ऑब्स्ट्रक्टेड इन द ल्यूमेन ऑफ द पाइलोरस ड्यू टू डिक्रीज साइज ऑफ द इन द ल्यूमेन ऑफ द फाइबर्स बिकॉज हाइपर ट्रॉफी ऑफ फाइबर्स ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ स्फिंक्टर। जस्ट ये डेफिनेशन है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि पाइलोरिक कैनाल जो
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, किस कारण से होती है? क्योंकि जो जो फाइबर्स ऑफ सर्कुलर मसल्स होती है वह हाइपरट्रॉफी होती है, जिसके कारण से जो स्पिंडर नहीं बन पाता, जिसके कारण से जो गैस्ट्रिक कंटेक्ट होते हैं या फूड कंटेक्ट होते हैं वो ड्यूडेनम नहीं पहुंच पाते, इस कंडीशन में पाइलोरिक स्टोनोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। वे पाइलोरिक स्टोनोसिस इज ऑब्स्ट्रक्टेड इन द ल्यूमन ऑफ द पाइलोरस ड्यू टू डिक्रीज साइज ऑफ द ल्यूमन ऑफ द पाइलोरस बिकॉज हाइपरट्रॉफी ऑफ द फाइबर्स ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ स्पिंडर। अब एटियोलॉजी, वैसे तो कोई एटियोलॉजी में पाइलोरिक स्टोनोसिस का कोई सटीक कारण नहीं है, फिर भी कुछ एटियोलॉजी फैक्टर है जैसे कि मेटरनल स्ट्रेस रहने से कारण स्ट्रेस, बास्ट ट्रांजिशन, देन नाइट्रिक एसिड की कमी के कारण हो सकता है, देन इमेच्योर पाइलोरिक इमेच्योर ऑफ कोई नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी ये जो एडिटिव फैक्टर्स में आते हैं जैसे कि मेटल स्ट्रेस ऑफ ब्लड टू नाइट्रिक एसिड की कमी इमेज ऑफ पाइलोरिक गैंगलियन सेल्स। देन नेक्स्ट लेते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, सिम्टम हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम ये है जिसमें जो है डिहाइड्रेशन कंडीशन, क्योंकि वोमिटिंग होगी तो डिहाइड्रेशन कंडीशन डेवलप होगी, देन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, वेट लॉस, देन नेक्स्ट इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो सिम्टम होता है वो होता है जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वेव है वे लेफ्ट टू राइट जो है जैसे इरेगुलरिटी थ्राइड है या इरेगुलरिटी लेथार्जी है या फेलियर ऑफ थ्राइड, ये सिम्टम हो गए अब पाइलोरिक स्टोनोसिस के। देन नेक्स्ट करते हैं डायग्नोसिस, सबसे पहले वेरिएबिलिटी से क्या करते हैं हम वेरिएबल से कि एक्सरे के लिए ये काफ़ी मोस्ट होता है, क्योंकि जैसे वेरिएबल स्टोनोसिस है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है
जहाँ पे रुकावट है वो उसको देखने के लिए हम बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ बेरियम होता है उसको हम डायग्नोस करते हैं कि यही ऑब्स्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट होता है यूएसजी एक्सरे, जैसे एक्सरे, इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होने की कंडीशन होती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट जांच इन्वेस्टिंग कराते हैं। देन एंडोस्कोपी ऑफ अपर जीआई, तो ये डायग्नोस तौर पे हम पैरोस्टोडिस में यूज करते हैं, बेरियम एंड यूएसजी एक्सरे एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एंडोस्कोपी ऑफ अपर जीआई। नेक्स्ट लेते हैं इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, उसके द्वारा ही हम पायरोस्टेनोसिस कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड में जो जो हाइपरट्रॉफिक फाइबर्स मसल्स है उनको क्या मूव किया जाता है, पायरो मायोट्रोफी, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, छोटे से इंसिजन के द्वारा, लेप्रोस्कोपिक के द्वारा, छोटे इंसिजन में लेप्रोस्कोपिक के द्वारा जो हाइपरट्रॉफिक हाइपरट्रॉफिक जो सेल्स है या मसल है उनको रिमूव किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, रिमूव देन यह है सर्जिकल प्रोसेस ऑफ पायरोरिक स्टेनोसिस। अब लेते हैं मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो पहले प्री में क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले जो केयर की जाती है, सबसे पहले एनपीओ यानी मुंह से कुछ नहीं देना, दूसरा हाइड्रेशन थेरेपी, और एनपी हाइड्रेशन फ्लूड्स कंटिन्यू फ्लूड्स कंटिन्यू रखा जाता है। नेक्स्ट जो पैरानेटोल के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, चेक द वाइटल साइन, ये कंडीशंस होती है, इसमें मुंह से कुछ नहीं ज्यादा फ्लूड्स कंटिन्यू रखा जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है उसमें फ्लूड्स का कंटिन्यू रखना जरूरी है। देन पैरानेटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, देन चेक द वाइटल साइन, ये प्री ऑपरेटिव केयर है जो कि पैरानेटोल ऑपरेशन करने से पूर्व हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है इसमें पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या सेम एनपीओ, ऑपरेशन के बाद हमें 4 से 5 घंटे कुछ नहीं देना होता, जब तक कि गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाए, गैग रिफ्लेक्स नहीं आए उसके बाद हमें जो एक लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी है, स्टार्ट करनी है, देन फ्लूड कंटिन्यू न्यूट्रिशन पेरिनेटल न्यूट्रिशन देन लिक्विड डाइट। तो ये जो है कंडीशन पायरोस्टेनोसिस, जो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन।